न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने एक ऐतिहासिक सीरीज जीत दर्ज कर ली। जी आपको बता दें कि वेलिंगटन वनडे में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 35 रनों से रौंद कर बता दिया कि भारतीय टीम विदेशों में भी शेर है। बता दें आपको कि साल 2019 में लगातार टीम इंडिया की दूसरी विदेशी सरजमी पर सीरीज जीत है 4-1 से। न्यूजीलैंड को रौंदने में सबसे अहम भूमिका निभाई टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद शमी ने इस सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब हासिल किया। आखिरी वनडे में शमी ने 2 विकेट झटकी। बड़ी बात यह रही कि शमी ने 4 मैचेस इस सीरीज में खेले और 2 बार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी लिया और मैन ऑफ द सीरीज के टॉप कंटेंडर रहे। बड़ी बात यह रही कि शमी की गेंदबाजी के आगे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का कोई जवाब नहीं था। जिस तरह से शमी ने लगातार लगभग हर मैच में न्यूजीलैंड को शुरुआती झटके दिए, यह बात तो तय नजर आ रही थी कि मोहम्मद शमी मैन ऑफ द सीरीज के स्ट्रांग कंटेंडर हैं। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 252 रन बोर्ड पर लगाए थे, जिसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 217 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम का स्कोर एक समय 18-4 था, लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन पारी अंबती रायडू और विजय शंकर और साथ ही केदार जाधव के बल्ले से आई और उसके बाद भारतीय टीम 252 तक पहुंचने में सफल हुई। भारतीय टीम के लिए हार्दिक पांड्या ने भी जोरदार पारी खेली। उन्होंने ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए 2 विकेट भी झटके, साथ ही 45 रनों की तूफानी पारी भी खेली। अब देखना होगा कि वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम क्या तैयार हो पाती है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे के।